भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल विधायकगण श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्रीमान मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्रीमान दल बहादुर कोरी जी, सीताराम वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री रामचंद्र मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान शंकर पांडे जी, प्रसार भारती के सीईओ तथा महानिदेशक तथा अन्य अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और अन्य अन्य संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी तथा उपस्थित भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी का अमेठी जनपद में ये पहला आगमन है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। मैं आज की सभा में आदरणीय अध्यक्ष जी का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, अभी यहां पर अमेठी के विकास के लिए निरंतर चिंतित, संघर्षरत और प्रयत्नशील आदरणीय स्मृति रानी जी ने आप सबके सम्मुख अमेठी के विकास के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार क्या कर रही है और आगे की क्या योजना है उन्होंने विस्तार से रखा। मैं उन्हें केवल प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेठी के विकास के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की यह सरकार किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और प्रदेश के हर नागरिक के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम सब का सौभाग्य है कि आज इस देश को एक ऐसा तेजस्वी नेतृत्व मिला है जिसके नाम से पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ता है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। आप सब जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर भारत को अगर एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, आज आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा महत्व है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दुनिया के उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ जिसने इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के गरीब, किसान, नौजवान और इस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोटबंदी की कार्रवाई के लिए दुनिया के अंदर जिस अर्थशास्त्री ने उस अभियान का सबसे पहले स्वागत किया था, आज नोबेल का पुरस्कार भी उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। यह इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के प्रत्येक तबके के विकास के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विश्व मंच पर मिल रहे समर्थन को स्पष्ट इंगित करता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार के साथ जोड़ करके और गांव, गरीब, किसान, नौजवान इन सब को उन योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है आज आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों को जब कहीं पर लगता है कि इस योजना को कैसे गांव और गरीब तक पहुंचाया जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबको एक नई दिशा देता है। हम उस दिशा में बढ़ते हैं, हमें सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। आप सब जानते हैं किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था, प्रदेश में कभी नहीं मिलता था, यहां पर बिचौलिए और आड़तियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों की उपज को खरीदने के लिए एजेंसियां मजबूर होती थी क्योंकि शासन सत्ता उन आड़तियों और उन बिचौलियों को प्रश्रय देती थी। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम जो भी चले किसानों को ध्यान में रख करके चलाएं और किसानों से जिस प्रदेश में 10 वर्षों में कभी भी 5 लाख 7 लाख टन से अधिक गेहूं का क्रय नहीं होता था उसी प्रदेश में पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे सीधे किसानों से करने का कार्य हुआ और पैसा भी किसानों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रति क्विंटल 10 रुपए अतिरिक्त उन किसानों को देने का कार्य हुआ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि धान क्रय की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। समर्थन मूल्य 1550 और 1590 के साथ साथ प्रति क्विंटल 15 रुपए अतिरिक्त किसान को हम आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उसके खाते में देने का कार्य करेंगे। बिचौलिया प्रथा बंद, और बिचौलिए प्रथा बंद होने का मतलब कांग्रेस का बेरोजगार हो जाना, क्योंकि बिचौलिया प्रथा तो कांग्रेस की देन है इस देश को। उन्होंने इस बिचौलिए प्रथा को आजादी के बाद से जो प्रश्रय दिया वो आते आते उसकी सबसे ज्यादा चोट अगर कहीं पहुंची है तो अमेठी और रायबरेली इसकी चपेट में सर्वाधिक रही है। हम लोग सुनते थे अमेठी और रायबरेली के बारे में, और आज जब यहां पर बहन स्मृति रानी जी ने आप सबको बताया गोमती जी के कटान से कैसे यहां पर दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे थे, कभी नहीं सूझा इन गरीबों के बारे में, उन गांवों के बारे में, उन किसानों के बारे में जिनकी जमीनें कट रही थी, कभी नहीं इन्होंने कोई योगदान दिया। ये लोग प्रदेश की सत्ता में भी थे, केंद्र की सत्ता में भी सर्वाधिक दिन रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मंत्री के रूप में भले ही अमेठी में वह अब उस प्रकार का परिणाम लोकसभा चुनाव में न मिला हो, लेकिन तब भी यह साबित किया है स्मृति जी ने कि सचमुच वह यहां की बहन है और एक बहन का दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने यहां पर यहां की समस्याओं को लेकर के कटान को अब कटान अवरोधक कार्य को तत्काल प्रारंभ करने से लेकर के इस सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हड़पने की जो साजिशें हो रही हैं, ये साजिश हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये पुराने संस्कार हैं, कहीं पर दामाद जमीन हड़पे और कहीं पर पुत्र ही जमीन हड़पने का कार्य करे, या उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं चल पाएगा, ये नहीं हड़पने दिया जाएगा। किसानों की जमीन होगी तो या तो उद्योग लगेगा या किसानों को वापस होगी, इसको हम किसी फाउंडेशन या किसी परिवार की पपौती नहीं बनने देंगे और किसान को और आम नागरिक को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आने देंगे। और इसलिए बंधुओं, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपको आश्वस्त करने के लिए, आखिर ये बुनियादी सुविधाएं यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को, यहां के नागरिकों को कब तक प्राप्त होगा। ये जमीनें यहां के किसानों ने इसलिए दी थी यहां का नौजवान रोजगार पाए,
पलायन की समस्या का समाधान हो, यहां पर उद्योग लगते। लेकिन आज जब सड़क बनने की बात आती है, या तो केंद्र से मोदी जी पैसा देते हैं, या तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पैसा देती है तब यहां की सड़कें बनती हैं, जब केंद्र पैसा देता है तब रेल लाइन बनती है, जब केंद्र की मोदी जी की सरकार पैसा देती है तब गांव-गांव में बिजली जलती है, और जब मोदी जी की सरकार पैसा देती है और प्रदेश से हम उस पैसे के साथ सहयोग करते हैं तब यहां के गरीबों को आवास मिल पाता है, तब घर घर में गरीबों का शौचालय बन पाता है। आखिर कांग्रेस इस देश के अंदर 55-60 वर्षों तक क्या करती रही, क्या करती रही? न गरीबों को आवास दिया, न गरीबों को शौचालय दिया, न यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दिया, और न किसानों की ही सुनवाई कर पाई, और न चिकित्सा के बारे में ही कोई व्यवस्था कर पाई। आखिर फाउंडेशन किस कार्य पे लगा हुआ है? ये फाउंडेशन पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी, ये पैसा जाता कहां था? और मैं तो स्मृति जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कार्यक्रम तो आपने अमेठी का एक महीने पहले तय कर दिया था कि अमेठी में 10 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है, और 10 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए हम लोग भी अपनी डेट पहले से तय करके रखे हुए थे कि हम लोगों को 10 अक्टूबर को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी जब आएंगे तो आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत का अवसर हमें प्राप्त होगा, हम लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, और इस बीच से 10 अक्टूबर के कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक मैंने 2 तारीख को देखा कि अमेठी में दिल्ली के एक शहजादे भी किसी यात्रा पर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अमेठी के बारे में कभी सुध नहीं थी, हर महीने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी, और अमेठी की याद अचानक कैसे आई, और फिर उस कार्यक्रम को कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन स्मृति जी के ही बहाने सही कांग्रेस के शहजादे को पहली बार 3 दिन अमेठी के अंदर रहने का तो अवसर प्राप्त हो गया, और आप लोगों को पहली बार उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। सज्जनों, ये लोग विकास नहीं करा सकते, इनके अंदर भारत के प्रति प्रेम नहीं, इनके अंदर विकास की कोई ललक नहीं, गांव गरीब किसान नौजवान इनके बारे में कोई सोच नहीं। आज जितनी योजनाओं के पत्थर यहां पर एक साथ आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन में यहां पर स्मृति जी के नेतृत्व में यहां पर जो पत्थर यहां पर लग रहे हैं विकास की योजनाओं के, यह एक दृष्टि है विकास की। अमेठी का विकास किस रूप में आगे होना चाहिए, यहां के गरीबों को आवास मिलना चाहिए, गरीबों को शासन की कौशल विकास योजना में नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, और विकास की उन योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान और नौजवान तक प्राप्त हो। इस दृष्टि से जिस अभियान को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़े हैं, यही वास्तव में हम सबको आगे बढ़ा सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, किसानों का हित आगे बढ़ा सकता है, और उस दिशा में हम लोग जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, मैं आज उस अवसर पर एक बार आप सबको कहना चाहूंगा, हम लोग जब प्रदेश में आए थे 19 मार्च 2017 को, जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि प्रदेश में जाकर के शपथ लेनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाकर के प्रदेश की जनता की सेवा के लिए पूरा समय प्रदान करना है और जाइए वहां, मैं जब आया था प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था, कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 2019 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 24 लाख लोगों को आवास देना है। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश के हर गरीब की के सिर को ढकने के लिए छत चाहिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास उपलब्ध कराएंगे उत्तर प्रदेश के लिए 24 लाख आवास। पहले वर्ष में
970,000 आवास बनने थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इस आवास के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्य योजना पूर्ववर्ती सरकारों ने तय नहीं किया था। 3 वर्ष में कुछ नहीं हुआ और हम लोग आए, हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उसका परिणाम है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब तक हम लोग 8 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 1,60,000 से अधिक लोगों को हम लोग आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे उन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर, और प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए के अनुसार धनराशि जो उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 15,000 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के बनकर के प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत अभियान के उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं आगे बढ़ते हुए कौशल विकास के क्षेत्र में भी जिन नौजवानों को आदरणीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां सर्टिफिकेट वितरित हुआ है, हम लोगों ने तय किया है इस वर्ष हम प्रदेश के अंदर 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास के क्षेत्र में पारंगत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि आगामी 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इसमें पुलिस की भर्तियां भी हैं, पीएससी की भर्तियां भी होंगी, अध्यापकों की भर्तियां भी होंगी और तमाम प्रकार के अन्य विभागों के जो खाली पद हैं उन पर भी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन भर्तियों की कार्रवाई को पूरा करके हम लोग यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य अगर हो पा रहा है तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन जो प्राप्त हो रहा है उससे अवश्य अमेठी के नागरिक भी निश्चित ही लाभान्वित होंगे। इस विश्वास के साथ आज के यहां पर इस कार्यक्रम में जब विभिन्न प्रकार की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के अवसर पर अमेठी से आए, कोने कोने से आए हुए, गांव गांव से आए हुए आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं इन योजनाओं के यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर। और एक बार पुनः आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में उनका कार्यक्रम लगता था, प्रातः 7 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ होती थी और देर रात्रि तक 2 बजे तक उनके कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलते थे। आज 7 माह के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी अमेठी की धरती पर आए हैं। मैं एक बार पुनः प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सभी आदरणीय स्मृति जी के नेतृत्व में अमेठी के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लगिए, आपके विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको दीपावली की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को प्रारंभ देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सबको विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में विकास के जिस नए युग का शुभारंभ हुआ है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन